पटना के डीएम कुमार रवि और एसएसपी उपेंद्र शर्मा आगामी 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली के तहत मानव श्रृंखला का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके निरीक्षण में एसएसपी डीएम सहित सभी संबंधित अधिकारियों ने गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मानव श्रृंखला 19 जनवरी को बनाई जाएगी, वह बिहार के नक्शे के रूप में दिखाई जाएगी और तमाम लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था भी की गई है। हमारी नज़र सभी पर बनी रहेगी, प्रशासन की भूमिका अहम देखने को मिलेगी। उस दिन की तैयारी में हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक शानदार मानव श्रृंखला का आयोजन इस बार भी किया जाएगा। डिस्कशन करना, देखो क्या है, तो फाइल का अप्रूवल लेते हैं, इस बार नहीं हो पाएगा सर, लेकिन रैंप के आगे लोग लगेंगे ना, जो चढ़ गया रैंप पे, रैंप के ऊपर चढ़ा हुआ है, वहीं से ऐसे लगेंगे, ऐसे करके नहीं, जल जीवन हरियाली वाला हम लोग को बात करना पड़ेगा। जल जीवन हरियाली वाला भी कुछ अगर आपके पास होगा अगर तो हमको मिल जाएगा तो हमारे पास डिजाइन तो हम उसका काम बनवा देंगे। अभी निर्मल उसमें कुछ दे भी रहा है सजाने के लिए, कमला कमला भी सर, बस वहाँ पे दे रहा है सीन सब पुराना, दोनों टीम को भी तो घुसाना है कि खाली यही वाला, हाँ नहीं दोनों यहीं पे सब बोल रहे हैं, इस जगह पे सा दे देते हैं, यहाँ से दिखेगा जी ये सर, यहीं पे है सर सीन सर, बताइए ये सर, अच्छा सर यही इसमें फिर हम लोग वो बना करके डिस्प्ले भी किए थे ना, बहुत सारा करोगे ना आप लोग सर, इनका भी है सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है सर, बच्चे सर के, और कल जैसे चर्चा हुई गांधी मैदान में जो लोग रहेंगे उसमें प्रमुख रूप से स्कूली बच्चे हैं आसपास के, वह रहेंगे, साथ ही जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी भागीदारी रहती है। जो लोग यहाँ पर इस जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में या दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन और शराबबंदी के संबंध में अच्छा कार्य जिन्होंने किया है उनको भी विशेष रूप से यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ का कला जत्था भी रहेगा और साथ में जो भी लोग यहाँ पर वॉलंटियर करेंगे वो भी रहेंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मी और जो नागरिक गण है इसमें भाग लेना चाहते हैं उनको भी हम लोग आमंत्रण के आधार पर गांधी मैदान में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। यहाँ तैयारी काफ़ी एडवांस स्टेज में चल रही है और यहाँ का डिजाइन लगभग फाइनल हो चुका है। यहाँ जो अंदर प्रवेश करने और बाहर निकलने की व्यवस्था रहेगी और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे लगभग उनकी भी सूची तैयार की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरे ज़िले में रहेगी मानव श्रृंखला की, उसकी भी तैयारी लगभग अंतिम चरण में है और उसका माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। पूरे ज़िले में लगभग 708 किलोमीटर में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी जिसमें मुख्य रूट में मोकामा से लेकर के कोयलवर तक मेन रूट बनाया जाएगा जो कि पटना में गांधी मैदान होते हुए जाएगा। इसके अतिरिक्त कई सारे सब रूट्स भी बनाए जाएंगे। इसमें कुल मिलाकर के लगभग 17 से 18 लाख लोग इसमें शामिल होने की अभी हम लोगों ने आकलन किया है और इसके आधार पर तैयारी की जा रही है और इसका लोगों तक जागरूकता फैलाई जा रही है। पूरे राज्य में मानव श्रृंखला 19 जनवरी 2020 को बनाई जानी है जिसका मुख्य थीम जल जीवन हरियाली है और उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ तैयारी की जा रही है। पूर्व में भी 21 जनवरी 2017 और
21 जनवरी 2018 को यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाई गई थी। और यह जो मानव श्रृंखला है, यही गांधी मैदान में मुख्य मानव श्रृंखला यहाँ बनाई जाएगी, जहाँ से यहाँ चारों गेट के माध्यम से पटना के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए राज्य के दूसरे छोर तक पहुँचेगी। यहाँ जो चार बड़े गेट हैं, गेट नंबर 1 है, 5 है, 7 है और 10 है, यहाँ से निकलेगी लाइन, निकलेगी यह मानव श्रृंखला निकलेगी और विभिन्न क्षेत्रों से, प्रमुख सड़कों से होते हुए और सब रूट से होते हुए विभिन्न जिलों के सीमाओं तक जाएगी। वहाँ से दूसरे जिले फिर अपनी मानव श्रृंखला वहाँ से बनाएंगे। जो यहाँ पर गांधी मैदान में मानव श्रृंखला बनेगी, वह उसमें बिहार का एक नक्शा बनाया जा रहा है, जिसको आकर्षक तरीके से उसको बनाया जा रहा है। और साथ में यहाँ पर जो मानव श्रृंखला में लोग रहेंगे, उनकी भी उनको भी पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जो मानव श्रृंखला बनेगी, उसी से ये चारों दिशा में अलग अलग जो मानव श्रृंखला है वह निकलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। सर, गांधी मैदान में जो, पटना से श्वेता के साथ दीपक की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।